अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन तव्हां ॾिसो पिया त पूरे पाकिस्तान में असांजा नौजवान रोडनि ते आहिनि। इस्लामाबाद खां वठी सिंध ताईं हर घर में गैस जे चुल्हे में गैस न पई अचे। सॼो ॾींहुं गैस जी लोड शेडिंग आहे। CNG स्टेशन ते वॾियूं वॾियूं कतारूं लॻी पयूं आहिनि गाॾीअ जूं। पूरे मुल्क में लॻे थो त अचानक ॼण त गैस ग़ायब थी वई आहे। इन जा सबब कहिड़ा आहिनि? अचानक गैस जे हवाले सां इहे क्राइसिस किथां पैदा थिया आहिनि ऐं गुज़िरियल 3 सालनि खां ई असां इन्हनि क्राइसिस खे मुंहुं छो ॾेई रहिया आहियूं? ऐं 3 साल गुज़रण जे बावजूद बि असां वटि जॾहिं बि सियारो अचे थो, डिसंबर, जनवरी, फेबरवरी, उहे सख़्त महीना थियनि था जॾहिं सर्दी पवे थी, त उन्हनि महीननि जे दौरान न घर में चुल्हो ॿरे थो, न ॿाहिरि गाॾी हले थी, न इंडस्ट्रीअ जो फीथो चुरे, न इंडस्ट्री हले थी। लॻे थो त पूरो मुल्क बीह रहे थो। उन जा सबब कहिड़ा आहिनि? छा सबब आहे जो असां वटि गुज़िरियल 3 सालनि खां इहे क्राइसिस एॾे वॾे पैमाने ते थी चुका आहिनि? ऐं उन सां गॾोगॾु जॾहिं असां चऊं था त पूरे पाकिस्तान में सभ खां घणी गैस सिंध में पैदा थिए थी, त छा सबब आहे जो सिंध में माण्हुनि जे घरनि जा चुल्हा विसामी वञनि था? छो सिंध में गाॾियुनि जूं वॾी वॾियूं कतारूं लॻनि थियूं ऐं उहा सिंध जेका सभ खां वधीक गैस पैदा करे थी? ऐं सुप्रीम कोर्ट जे फैसले मुताबिक़ जंहिं सूबे मां जेके रिसोर्सिस निकरनि था उन जो उन ते वधीक हक़ आहे त असांजा माण्हू उहे जेके रिसोर्सिस जे हवाले सां मालामाल आहिनि उहे इन सॼे तकलीफ़ खे मुंहुं छो ॾेई रहिया आहिनि? इहो ई सवाल आहे जेको अॼु सिंध सोचे पई, ऐं सिंध सोचे पई त इन जा कहिड़ा सबब आहिनि। इन में हुकुमरानी जी नाअली आहे, इन में जेको आहे सो डिस्ट्रीब्यूशन जो मसइलो आहे, या इहो को अञा वधीक ॿियो मामिलो आहे, जंहिं करे ई अॼु असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में जिन महिमाननि खे दावत ॾिनी आहे उहे मुख़्तलिफ़ शोभा ज़िंदगी सां तालुक रखनि था, ऐं उन्हनि जे थ्रू ई असां समझण जी कोशिश कंदासीं, ऐं सिंध असां सां गॾु इहो समझण जी कोशिश कंदी त इहे कहिड़ा सबब आहिनि त रिसोर्सिस में एतिरो मालामाल हुजण जे बावजूद असांजे घरनि जा चुल्हा विसामियल आहिनि ऐं असांजे CNG स्टेशन ते गाॾियुनि जूं ड्रिगियूं ड्रिगियूं कतारूं आहिनि। उन जा सबब कहिड़ा आहिनि? त इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ जिन महिमाननि खे असां दावत ॾिनी आहे उन्हनि जो तारफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां। असांजो पहिरियों महिमान आहे जनाब दस्तगीर भट्टी साहब। दस्तगीर भट्टी साहब यकीननि कंहिं बि तारफ़ जा मोहताज न आहिनि, पाण कॉलमिस्ट आहिनि, सीनियर दर्जा निगार आहिनि ऐं मुल्क में थींदड़ हर बुहरान जे हवाले सां पाण न सिर्फ़ उन ते गहरी ॼाण रखनि था पर वक़्तनि बवक़्तनि लिखंदा बि अचनि था। सदन भर में वेठा आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज़ हुसैन सोलंगी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज़ हुसैन सोलंगी साहब डायरेक्टर आहिनि सेंटर फॉर प्यूअर एंड अप्लाइड जियोलॉजी में, ऐं पाण ख़ासि तौर ते सिंध में जेके कोयल्स जे हवाले सां ऐं जेके अंडरग्राउंड रिसोर्सिस आहिनि जियोलॉजिकल सर्वे खां वठी हिकड़ी गहरी ॼाण रखनि था ऐं गुज़िरियल 2 सालनि खां मुसलसल इन हवाले सां कॉन्फ्रेंसिस बि अरेंज कराईंदा अचनि। सदन भर में वेठा आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर खान जी मेघवार साहब। पाण मेहराणी यूनिवर्सिटीअ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोफेसर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु डायरेक्टर आहिनि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ डिपार्टमेंट जा। मां पंहिंजे टिनि महिमाननि खे हिते भलीकार चवां थी ऐं सभ खां पहिरीं जेको असांजे ज़हन में सवाल अचे थो, खानजी साहब तव्हां खां इहो आहे सवाल त तव्हां रिन्यूएबल एनर्जी जे हवाले सां तमामु घणी तहक़ीक़ कई आहे। असांखे इहो ॿुधायो त असां वटि जेका वसीला आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके गैस जा ज़खीरा आहिनि, तव्हां छा था समुझो त असां वटि केतिरा आहिनि? असां पूरे पाकिस्तान में जेका गैस पैदा थी उन में केतिरो कंट्रीब्यूट कयूं? असां वटि नेचुरल गैस जा जेके वसीला आहिनि उहे 500 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आहिनि हींअर जेके रिकवरेबल आहिनि उहे 500 मिलियन। असां सोली सिंधीअ में ॿुधायूं पंहिंजे नाज़रीन खे त टोटल केतिरो परसेंट थींदा जेतिरा बि असां वटि वसीला आहिनि उन जा जेके पूरे पाकिस्तान में गैस निकिरे पई, त केतिरो सैकड़ो असां सिंध में 73% सिंध पैदा करे पई नेचुरल गैस, ऐं इन खां टोटल इहे ई आहिनि, यानी खां वधीक चांसिस आहिनि हुजण जा? मक़सदु एतिरो को ख़ासि न, ख़ासि असां हिन मां नेचुरल गैस मां का उमेद नथा रखी सघूं भई आईंदा इहो को ख़ासि कंट्रीब्यूट कंदी असांजे एनर्जी रिसोर्सिस खे, एनर्जी क्राइसिस खे घटि करण में। इन खां पोइ अल्टरनेटिव असां वटि छा आहे? जेकॾहिं असां हिन में तवको नथा रखूं त इहे असांखे क्राइसिस मां वधीक गैस ई कढणु घुर्जे, त पोइ छा तव्हांजे नज़र? अल्टरनेटिव में असां वटि कोल जा तमामु घणा रिज़र्व आहिनि, थर कोल ख़ासि करे पाकिस्तान में जेके 185 बिलियन टन्स कोल आहे उन मां 175 बिलियन टन्स असांजा थर में रिज़र्व आहिनि। 175 सिर्फ़ थर में आहिनि, उन खां सवाइ लाखड़ा में आहिनि, झंपीर में आहिनि, इते बि असां वटि कोल रिसोर्सिस आहिनि। ॿिया जेके अल्टरनेटिव आहिनि माना सभ खां वधीक सिंध में ई आहे, 99% सिंध में, 99% कोल रिसोर्स जेके आहिनि उहे असांजे सिंध में आहिनि। अच्छा, ॿिया जेके अल्टरनेटिव आहिनि उनमें शमशी तवानाई जेके असां सोलर एनर्जी चऊं था उहो आहे,
विंड एनर्जी है सोलर ए विंड में सिंध त खास करे रिच आ असा जो कोस्टल बेल्ट सिंध जो उनमें विंड पावर जो तमाम सुठो पोटेंशियल है सस्तो असा कोल सस्तो पवो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल में पैदा कदासी तो वह सस्ती पवी उन बे नंबर से विंड पावर है न पर असा जो गैस की गाल क्यों तो गैस असिन का घनी सस्ती नी पे इन मुकाबले में जैसे कोयले में गैस पैदा क्यों तो कोयले में जो गैस पैदा कदासी वह भी सस्ती पवी वह भी सस्ती पवी पर शो तो जो अस कोयले के इस्तेमाल कदासी तो उनका एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उनका जो नुकसान उमाम घना उनके उपतर जैसे विंड पावर में अस एनर्जी पैदा कदासी तो वह एनवायरमेंट फ्रेंडली माहौल दोस्त प्रोफेसर सरफराज साहब तुमसे यो बुदायो जियोलॉजी डिपार्टमेंट से वास्तो रखो था सिंध में जियोलॉजिकली सर्वे मुताबिक केतरा चांसेस आन त अजा गैस जहा अड़ा जखीरा जैसे एक्सप्लोर न कया व्या दरियाफ्त न कया व्या टेक्निकली दिठो वे तो इन मल तई जो कम थो है वो अस ये खड़ी चूं तो 5-10% एरियाज सही माना में सर्वे थी उनकी जान हासिल पैकड़ो बस पाकिस्तान की गाल था क्यों अच्छा। सिंध में कम कुछ वधिक थो है छो तो सिंध की एरिया ज्यादातर फ्लैट है जियोलॉजिकल सर्वे भी सस्ता भी पवन था इजी भी आन काफी टाइम का वी खास कर ये जी 1981 में खास के लिए आयल फील्ड यूनियन टेक्सस वार लदी उन्हें तमाम घनी एक्टिविटी थी है इतने पर उन बावजूद हिंसर काफी लीजेस जी असि कराची में ऑफिस है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड वह तमाम घणो एक्टिवली वेरियस ब्लॉक्स से कम करे थी पई जैमें जामशोरों का वी सेवण तई वींदे ठटे तई कराची के नॉर्थ तई ये सजे एरिया के फोकस करे थी पई तो जी इतने भी कुछ जखीरा नवा गोले सकजन उनके लिए उन्होंने टेक्निकल स्टडीज करायूं साइजमिक सर्वे थोड़ा जो सब सर्फेस तहन के बारे में खबर पवी जैमा तो वह भी हले थी पई न रुगो यो पर इंटीरियर सिंध जी नौशोर फिरोज है हाला है बदीन है उमरकोट है तो सजी सिंध में एक्सप्लोरेशन काफी हले थी पई तहजी जान हूंदी तो जी असो कादनवारी गैस फील्ड है सावण है नारे जो जो हिस्सो है तो उते भी अना चांसेस आन तो गैस मिले पर हाँ जी ये खड़ी चेजे तो ये एक्सपेंसिव बिजनेस है काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होंगी है गुजरियल चंद साल इन्वेस्टमेंट लाइ माहौल एडो सुठो न हो तो एक्टिविटीज घटी व्यू खास कर फॉरेन जो ऑयल कंपनीस हुई तो उन एक्टिविटीज घटी व्यू तेज कर उम्मीद तो हर वक्त है तो अना भी जखीरा मौजूद आन मिलंदा अच्छा दस्तगीर भट्टी साहब ही असाजे बिन प्रोफेसर जी गाल बुधियो जैमा यो तो लगे तो एनर्जी के हवाले से सिंध ढो रिच है तवा के छा तो लगे तो जैसे असा वट एतरा बुहरान अचन था एतरी अस वट रिसोर्सिस अना तई सही स्ट्रेटजी या हुकूमत अमली छो न जुड़ी आ तो उन्होंने या तो एक्सप्लोर किया वे या उन्होंने कें इस्तेमाल किया वे मैडम हिकमत अमली जोड़ने के लिए जो लीडरशिप खपे उनको एक थोड़ा बैकग्राउंड ट्रेस क्यों तो तवे नाजरीन के भी जुल्फकार अली भुट्टो साहिब शहीद पर्यों मानू हो जै वैन ही वॉज मिनिस्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सिस तो रशिया में वही एक्सप्लोरेशन जहां मायदा कया उन जमाने में पेरी पेरों बुनियाद पेरों सिंधी वो गैस की जी डिस्ट्रीब्यूशन थी डिस्कवरी का गाजी अब्दुल मजीद साहब उन वेचारे मेहनत दी रात भी इंच मापे उन घर घर गैस पुजाई उन जमाने में 50s 60s की गाल इन मान जो मतलब आवाम की खिदमत की तड़प जज्बो जो वीजन हो उनमें खुश थींदा तो असा किन जो भलो तुम दिठो हों घर जा मीटर 30 रुपया 20 रुपया केडी सस्ती गैस बिल्कुल सस्ती हाँ तो गाल ही बदल जी हाँ हर गाल में वीजन को लीडरशिप क्यादत में अहलियत मान ला तड़पन है वी साल पो या 50 साल पो जो जुल्फकार अली भुट्टो या बिहार वह इनमें सलाहियत ही वेचारे में कोने आसादी लीडरशिप आ पा बदबख्ती से वर्ल्ड बैंक की ताजी रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज
डोमेस्टिक कंज्यूमर लाइ या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स लाइ ना है, फकत चोरी है। 30-40% लीकेज है जो वड्यू वड्यू इंडस्ट्रियू कन थी। मसलन फातिमा फर्टिलाइजर कैंजी आए पा नालो नथा खणूं पर हर को मानू समझी सके थो। शुगर मिल्स कैंजी आन ये सब गैस चोरी कर थी। या गैस जी रुगो चोरी बनते था सबने के मिली गाल खत 40% चोरी आ गैस जी 40% आ डिक्लेयर कन था त असा वट 12-14% आ जेको कूड़ है वर्ल्ड में। जे वाबडा वारा को चंदा नेस्को वारा या वाबडा वारा त लाइन लॉसेस है असा 15-20%। हालांकि वो विकणंदा है सनतुन के कारखानन के बिली भगत हुंदी है नेस्को वारा जी वाबडा वारा जी हते भी एग्जैक्टली ओई सागियो थी वा अग में न हो। ये वो स्वी गैस कंपनी असा जी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हुई। इन वक्त 172 अरब रुपये की मकरूज आ 172 अरब रुपया कर्ज खी पगारू पे दियन ओनली बिकॉज ऑफ लीडरशिप के फुकदान। अजीब गाल गुजरियल 3 साल अचानक 4 साल नव का ही क्राइसिस एडा घना वधी चुका अज इन साल तो कुछ वधी कई बुरान की सूरत हाल थी वही है। 3-4 साल अचानक ही चोरी शुरू थी वही है। अचानक इंडस्ट्रियलाइजेशन एडी वधी वही है। हाँ चोरी जो दिसो अगे अस पाकिस्तान में चोरी वाकई 2-3% हुई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये चोरी वधी है सब इन 4 साल में वधी है। के मानो शुगर मिल सब हुकुमरान जिके बिठा हर पार्टी जो हुकुमरान जो ब-ब-टे-टे-चार-चार किन जो 10-10 शुगर मिलून फर्टिलाइजर प्लांट उन्हें जा ये उन्हें जी पार्टनर्स जान चो जो 27% जगह है सा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी गैस कंज्यूम करे 27% ता सोचो ना। हां या तो जाहिरी फिगर है अंदरूनी नेला छा हुंदी ही को सच्चाई पाण के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखा ना एकड़ी जगलरी ऑफ फिगर्स एंड वर्ड्स हुंदी है असल फैक्ट्स एंड फिगर्स कोन पर वर्ल्ड बैंक।